बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के रहते हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया इतना स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है, तो कैसे समझें कि हम ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन सी प्रोफाइल्स हैं जिस पर पॉजिटिव रिजल्ट आते हमने देखे हैं, और स्टूडेंट्स को खुद जान लेना चाहिए, खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करनी चाहिए कि हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप और अच्छी ऑप्शंस पर भी काम कर सके। तो आज बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिएगा ये वीडियो, ताकि ऑस्ट्रेलिया को लेकर, प्रोफाइल्स को लेकर आपको हर एक पॉइंट जो है जरूर क्लियर हो सके। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर, और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा को लेकर और खास प्रोफाइल्स को लेकर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेज वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो आप सभी जानते हैं कि मैम का तकरीबन 27-28 सालों का एक्सपीरियंस, और उसी के चलते आज हम मैम से इंफॉर्मेशन ये लेंगे कि मैम आप ज़रूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए इस बात को लेकर, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करूं, मेरा वीज़ा लग जाए, लेकिन हर एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं है। जेन्युइन स्टूडेंट की परिभाषा भी ज़रूर समझाइएगा, और अगर प्रोफाइल वाइज बात करें जिन पर हम पास में देखे कि पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, तो आप कैसी प्रोफाइल्स को गाइड करेंगे कि पूरा फोकस करके आगे बढ़े और उनको वीज़ा मिल सकता है। हरजोत, जो लेटेस्ट ट्रेंड है ऑस्ट्रेलिया का, वो थोड़ा टफ नज़र आ रहा है। अब टफ में क्या है कि जो स्टूडेंट्स की आइल्स स्कोर बहुत अच्छा है, सीबीएसई आईसीएसई से पढ़े हुए हैं, नॉट स्टेट बोर्ड। हाँ, स्टेट बोर्ड जो पंजाब और हरियाणा के अलावा उनके एक्सेप्टेड हैं, लेकिन हमारी कोशिश है सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे मेडिकल, नॉन मेडिकल, या जिनके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आर्ट्स में जिनका पेंटिंग या लैंग्वेज कोर्स हैं, वो मत अप्लाई करें, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट होगा। आपके अगर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मेन फोर सब्जेक्ट्स जिसमें लैंग्वेज काउंट नहीं होती है, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्स्ट्रा है वो काउंट नहीं होता, मेन फोर सब्जेक्ट। मान लीजिए नॉन मेडिकल वाला है तो मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो ऐसे मतलब ऐसे मेन जो फोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें मिनिमम जो परसेंटेज है वो 65% होनी चाहिए, या 60% मिनिमम, ठीक है। और आईएलटीएस 6.5 बैंड या 6 बैंड मिनिमम होना चाहिए, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे किस में जा रहे हैं। ये एकेडमिक हो गया। अब अगर ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट है तो वो 6.5 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है, आइल स्कोर या पीटी इक्वलेंट, टोफल भी उसी के इक्वलेंसी से चलेगा इनका। अगर आपका परसेंटेज की बात करें, सेक्शन 1, 2, 3 तीन यूनिवर्सिटियों में डिवाइड किया गया है, किसी भी यूनिवर्सिटी की ये 60% से कम लेते नहीं। अगर सेक्शन 3 है तो 65%, सेक्शन 1 और 2 है तो 60% से कम नहीं ले रहे हैं। तो जो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन, आप ये दोनों मान के चलिए कि इनको प्रोफाइल बहुत अच्छा चाहिए। अब अगर ग्रेजुएट बच्चा मास्टर्स में जा रहा है तो हम बात करेंगे, अगर वो कहीं काम कर रहा है, उसका कोई गैप है, उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस के साथ जो कंपनीज अकाउंट में उसको सैलरी आनी चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने कोई एक्सपीरियंस बनवा लिया कहीं से, और वो सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा इस समय जो माहौल, और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए गलत डॉक्यूमेंट्स, आप बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए। फाइनेंशियल्स अगर आपके पुराने हैं, या 1 ईयर फीस दे के 15 लाख जितने आपको लिविंग एक्सपेंसेस 3 मंथ्स ओल्ड शो करने हैं आपके, वो होने चाहिए। अगर बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है कि जिसमें यूनिवर्सिटी अगर स्पाउस को लेने को तैयार है तो स्पाउस के साथ अप्लाई करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जहाँ आपका गैप प्लस टू वाले स्टूडेंट का गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट चारों में आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, आइल्स आपका अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स की इनकम मोर देन 12 लाख इस टाइम देख रहे हैं, ठीक है। इन अब आपका जो फाइनेंशियल्स, तो मैंने कहा 1 ईयर का आप दे के, और लिविंग एक्सपेंसेस आप 3 मंथ्स ओल्ड शो कर सकते हैं, या बैंक लोन शो कर सकते हैं। कोर्सेज भी अगर आप अच्छे लोगे, बिजनेस के अलावा अगर आप लेते हो, कोई हेल्थ का कोर्स लेते हो, आईटी रिलेटेड अच्छे कोर्स लेते हो, साइबर सिक्योरिटी लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो,
बिजनेस एनालिटिक लो, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी हो, आपका कोर्स अच्छा हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ठीक हो, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक हो, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस नहीं है। जी 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 बिल्कुल। और मैम लास्ट में ज़रूर जो भी स्टूडेंट्स के सवाल हमारे पास आ रहे हैं 22 पास आउट वालों के कि वो अभी अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनके लिए चांसेस ना के बराबर दिखते हैं? नहीं, हर जो मैं किसी भी ऐसे बच्चे को इस टाइम गाइड नहीं करूँगी कि जो इस टाइप के प्रोफाइल हो, प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रोफाइल में कोई कमी ना हो, फिर वीज़ा चांसेस ना, नहीं तो बच्चे का बहुत लॉस होता है। बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स को ये बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्लियर कट है अपनी प्रोफाइल्स को लेकर के, हम ऐसी प्रोफाइल्स को वीज़ा देंगे। और जो स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करें 22 पास आउट आई हैं इससे पहले के, उनके लिए कोई चांसेस दिखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स कई बार अप्लाई करते हैं कि देखते हैं शायद, तो शायद वाली कोई यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। सो इसीलिए स्टूडेंट्स बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि जो पिक्चर क्लियर की है ऑस्ट्रेलिया ने, कि जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़े। जेन्युइन स्टूडेंट है, रीसेंट पास आउट है, फंड्स को लेकर और हर अपने कोर्सेज को लेकर आप अवेयर हैं, तो आगे बढ़े। आपको खुद सेल्फ असेसमेंट भी करवानी चाहिए, माहिर सलाह चाहिए, तो जरूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नेविगेटर्स ओवरसीज के ऑफिस आए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, असेसमेंट करवाएं, राइट ऑप्शन के बारे में जाने और उसी के अकॉर्डिंगली टाइमली अप्लाई करके अपना वीजा हासिल करें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने कई पॉइंट्स स्टूडेंट्स को आज गाइड किए हैं जिन पर ध्यान रखें तो स्टूडेंट्स राइट ऑप्शंस के साथ आगे बढ़कर अपना ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा हासिल कर सकते हैं। तो आगे भी हम इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।